Sheep Aja, welcome. Welcome, welcome. Rayasina, welcome. Welcome, welcome. कोलकाता के राम मंदिर के पास राम मंदिर हॉकर कमेटी के तरफ से गणेश पूजा का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने किया। इस मौके पर उपस्थित थे वार्ड 25 के पार्षद राजेश सिन्हा, रवि ओझा एवं जयंत चटर्जी, समीर देवनाथ, राजा बर्मन, दीपक शर्मा, विक्की सिंह, रोहन दुबे, इनके अलावा और भी विशिष्ट लोग उपस्थित थे। पहना करके राम मंदिर हॉकर्स कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री डॉक्टर शशि जी पांजा के लिए। हम बाकी सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान करेंगे, उसके पहले श्री राजेश जी सिन्हा जो वार्ड नंबर 25 के जनप्रिय पार्षद हैं, हमने उनका सम्मान किया। अब जो बाकी के अतिथि हैं उनको भी उत्तरी पहना ही दिया जाए। मोहतरमा सोफिया खान जी को उत्तरी पहना करके सम्मानित किया जाए। प्रत्येक वर्ष यहाँ दुर्गा पूजा, ये गणेश पूजा का आयोजन किया भाई विक्की सिंह और सभी लोग करते हैं, और हर साल विक्की की इच्छा होती थी कि दीदी हमारे पूजा के उद्घाटन में आए। दीदी का फोटो देके होर्डिंग हर साल लगाता है ये। इस बार मैंने रिक्वेस्ट किया और 5 मिनट के लिए सिर्फ मैंने कहा कि दीदी आपको चलना है, तो हम लोग सीधे दीदी को माइक देते हैं और उनकी बातों को सुनेंगे। जो आपने सुंदर पूजा का एक जगह, और सचमुच में मैं भी नहीं सोच पाई कि मेन रोड में इस तरीके से जगह निकाल सकते हैं, बहुत सुंदर हुआ ये। और ऐसा था क्या हर साल बुलाते थे और हम नहीं आए? ये बहुत गलत है। तो इस साल ज़रूर, हमेशा कोशिश तो रहती है, प्रयास तो रहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ खो जाते हैं हम लोग पूजा के दौरान। इतने सारे पूजा उद्घाटन करो, ये करते करते कभी खो जाते हैं हम लोग। बहुत सुंदर हुआ है पूजा। और मैं तो राजेश दा, श्री राजेश दा आज वक्तव्य रखने की बात बड़ी जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है। वो पुरोहित के तरह आज हम बहुत डिमांड में हैं कि पुरोहित पंडित के लिए सब वेट करते हैं ना, आज सब जगह वेट कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम लोग को दौड़ना पड़ता है। तो पूजा कल होगी ज़रूर, और इसी रास्ते से मैं जाती रहती हूँ रोज़ जाते जाते। मैं फिर कल दोबारा प्रणाम करके ही जाऊँगी। गणेश पूजा बहुत सफल हो, और गणेश सिद्धिदाता गणेश तो हमेशा आशीर्वाद करेगा, हमेशा आशीर्वाद रहेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि वो आशीर्वाद करे, सिद्धि लाभ हो, रिद्धि और सिद्धि सब कुछ एक संग आपके ऊपर बरसाएं। এরপরে ডাকবো রাজা বর্মন মহাশয়কে। ছেলে সবসময় হাসে। উত্তরীয় পড়াচ্ছে রোহন। আমরা এরপরে ডাকবো অভিষেককে, অভিষেক বিশ্বাসকে। রোহন কে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছে সমীর দেবনাথ মহাশয়। আমরা এরপরে ডেকে নেব নিখিল সিং কে। নিখিল সিং, একটু হাত তালি দিন। সোনু যাদবকে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি। রাম মন্দির হকার টিমের তরফ থেকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করছে, কি বলবেন? আমাদের হকার্স যারা রয়েছেন, বিশ্বকর্মা পুজো যেমন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক গণেশ পুজোও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই করবেন পুজো, আমরা প্রত্যেকটি পুজোতে পৌঁছে যাই। পুজো সকলেই আনন্দ করবেন, সকলেই পুজো করবেন। খুব সুন্দর শ্রী গণেশ ঠাকুরের মূর্তিটা হয়েছে বলুন, খুব সুন্দর। এবং এটা আমার একদম বাড়ির কাছে, আমার প্রতিবেশী বিধানসভা কেন্দ্র হলেও একদম আমার বাড়ির কাছে। ওয়ার্ডের যিনি কাউন্সিলর সিনহাজি,
খুবই সহায়তা করেন, তাদের পাশে থাকেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। হকার্সদেরও ভালো হওয়ার জন্যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা যেমন করেন। তার একটা অসংগঠিত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্যে সমস্ত সোশ্যাল সিকিউরিটি দিদি ভেবেছেন। তারা ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, এবং অনেক অনেক ভালো ভালো জিনিস সরকারদের কাছে পাওয়া যায়, যেগুলো অনেক সময় দোকানেও পাওয়া যায়। তাই সবটাই মিলে এটাই উৎসবের দিনগুলো সকলেরই ভালো কাটুক। আপনাদের এই মিডিয়ার মাধ্যমেও আপনার দর্শকের কাছে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, ভালো থাকুন। দিদি, 2024 আর গণেশ পুজো সামনে, একটা লোকসভা হচ্ছে একটা বড় পুজো, কী প্রার্থনা করলেন 2024? আমি বলি, যখন আমি পুজো করি আমি শুধু শুধু পুজোই করি। আমি যদি আজকে পুজো উদ্বোধন হয়ে থাকে তাহলে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার আমি করব না। আমি চাইব সিদ্ধিদাতা গণেশের আশীর্বাদ দিয়ে সকলে ভালো কাজ করুক। आस पास के लोगों को क्या बोलूँगा, अपने वार्डों के, यहाँ के लोगों के, सब वार्ड का लोग को लेके चलते हैं। अपना नाम क्या? ठीक आंटी, अभी कौन आप बोलेंगे? विगत कई वर्षों से यहाँ पर हकर्स एसोसिएशन के द्वारा गणेश पूजा का आयोजन हो रहा है, और विगत प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से ये पूजा धीरे धीरे अपने आप में जो है बढ़ता जा रहा है। आगे साल जो है भगवान की प्रतिमा, श्री सिद्ध विनायक गणेश की प्रतिमा छोटी थी, इस साल और बड़ी है, और उनके कृपा से यहाँ पर राम मंदिर के यहाँ भगवान श्री राम विराजे हुए हैं, वहाँ पर गणेश जी का आगमन, और गणेश जी को इतने बड़े रूप में इसको सेलिब्रेट करना, इससे ये होता है कि कोई भी पूजा जो है 10 लोगों के सहयोग से होता है, तो हर किसी का जो है सहयोग प्रभु सिद्ध विनायक गणेश संकटों को दूर करने वाले हैं, विघ्नहर्ता है और सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। अब इसलिए जो है यहाँ पर हर किसी का व्यापार और विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, यश, कृति बढ़े, इसी शुभकामना के साथ इस पूजा का जो है बढ़िया से जो है व्यवस्था किया गया। आपका नाम? अरुण कुमार पांडे। मैं यहाँ का जो है पूजा का सारा व्यवस्था मेरे हाथों द्वारा, कल मैं पुजारी के रूप में एक चीज़ ठीक है। अपना कत बचर राम मंदिर पुजो कबर পুজোটা তো 20 বছর হয়ে গেছে, আমি নিয়েছি 10-11 বছর হয়েছে হাতে, যত থেকে নিয়েছি ভাবছি একে বড়ই করতে যাব। আগে ছোট হতো, এখন আস্তে আস্তে করে বড় করছি। কিতা দিন চলে গে পূজা? চার দিন চলে গেল। কে কার্যক্রম হয় পূজা? আজ হম লোক উদ্ঘাটন থা, উদ্ঘাটন ম্যাডাম ডাক্তার শশী পাঞ্জা জি করকে গে। কল হম লোক পূজা হ্যাঁ, কল পূজা, পরশো হম লোক कल संध्या आरती है, प्लस परसों रोज हम लोग का महाभोग का प्रोग्राम किया हुआ है। लोग दर्शन करते हंसते बोले अपनी आशा को खेने वाले, भोग खाने के लिए कोई लोग का गिनती नहीं है, जितने भी आएंगे सब खा करके ही जाएंगे। की था अपने दिन भोगे हम लोग का पूरी है, आलू दम है, पाइस है, चना है, बाकी गणेश जी की इच्छा। आपका नाम? मेरा नाम विक्की सिंह। संस्था के क्या है? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। दी तुम गुलाब दो, अरे हंस रहा, इधर इधर देख, सामने देख, बेटो पी को दुपट्टा पहना भाई।